हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्जाम क्रेकर। इस वीडियो में हम देखेंगे यूपी टेट 2015 के अपर प्राइमरी लेवल के संस्कृत के क्वेश्चंस। तो शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 61, जिस समास में पहला पद संख्यावाची हो वह समास है। फर्स्ट ऑप्शन है द्विगु समास, सेकंड है द्वंद्व समास, थर्ड है कर्मधारय एंड फोर्थ है तत्पुरुष। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, द्विगु समास। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, पुट पाक प्रतीकासो रामस्य करुणोरस किस कवि से संबद्ध है। फर्स्ट ऑप्शन है कालिदास, सेकंड है भास, थर्ड है भवभूति एंड फोर्थ है अश्वघोष। करेक्ट आंसर होगा 62 का ऑप्शन 3, भवभूति। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्व सूर्य प्रभवो वश क्व चल्प विषया मति, पंक्ति किस ग्रंथ से उद्धृत है, मतलब किस ग्रंथ से लिया गया है। फर्स्ट ऑप्शन है रघुवंश, सेकंड है अभिज्ञान शाकुंतलम, थर्ड है उत्तर रामचरितम एंड फोर्थ है मेघदूतम। करेक्ट आंसर हो जाएगा 63 का ऑप्शन 2, यह कथन अभिज्ञान शाकुंतलम से लिया गया है। अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना कालिदास जी ने करी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64, कौंतेय पद में कौन सा प्रत्यय विद्यमान है। फर्स्ट ऑप्शन है यज्ञ, सेकंड है अय, थर्ड है ढक एंड फोर्थ है नियत। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 65, कृति शब्द में कौन सा प्रत्यय है। फर्स्ट ऑप्शन है त्वय, सेकंड है त्रिच, थर्ड है तव्यत एंड फोर्थ है अनियर। करेक्ट आंसर होगा 65 का ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 66, उपगडगम में कौन सा समास है। फर्स्ट है तत्पुरुष, सेकंड अव्ययी भाव, थर्ड कर्मधारय एंड फोर्थ द्विगु। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, उपगडगम में अव्ययी भाव समास है। क्वेश्चन नंबर 67, पूर्व पदार्थ प्रधान होता है। फर्स्ट ऑप्शन है तत्पुरुष समास में, सेकंड है बहुव्रीहि समास में, थर्ड है द्वंद्व समास में एंड फोर्थ है अव्ययी भाव समास में। 67 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 68, उत्तर रामचरितम कृति है। फर्स्ट ऑप्शन है दंडी, सेकंड है भवभूति, थर्ड है भास एंड फोर्थ है श्रीहर्ष। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 69, अंतस्थ वर्ण है। फर्स्ट ऑप्शन है स श श ह, सेकंड है योर लव, थर्ड है छ त्र ज्ञ एंड फोर्थ है क ख ग घ। करेक्ट आंसर हो जाएगा 69 का ऑप्शन 2, योर लव अंतस्थ वर्ण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, उष्म व्यंजन है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4, स श श ह। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71, दैत्यारी में कौन सी संधि है। फर्स्ट ऑप्शन है स्वर संधि, सेकंड है व्यंजन संधि, थर्ड है विसर्ग संधि एंड फोर्थ है पूर्व रूप संधि। करेक्ट आंसर होगा 71 का ऑप्शन 1, स्वर संधि। क्वेश्चन नंबर 72, नायक का संधि विच्छेद है। फर्स्ट ऑप्शन है निधन अक, सेकंड है नौ धन अक, थर्ड है नय धन अक एंड फोर्थ है निधन अक। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 73, अक्षना कान, इसमें अक्षना शब्द के साथ तृतीय विभक्ति इस सूत्र से प्रयुक्त है। फर्स्ट ऑप्शन है सहयुक्ते अप्रधाने, सेकंड है येना डंग विकार, थर्ड है अपवर्गी तृतीया एंड फोर्थ है हेतो। करेक्ट आंसर होगा 73 का ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 74, परस्मैपदी देने के अर्थ में दा धातु से प्रथम पुरुष बहुवचन में रूप बनेगा। फर्स्ट ऑप्शन है ददाती, सेकंड है ददंती, थर्ड है ददति एंड फोर्थ है ददसी। करेक्ट आंसर हो जाएगा 74 का ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 75, किराता जूनियम में अर्जुन भगवान शंकर से किस अस्त्र की प्राप्ति करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है पशुपात, सेकंड है चक्र, थर्ड है गदा एंड फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 76, जल निधि पद का पर्याय शब्द है। फर्स्ट ऑप्शन है मेघ, सेकंड है चंद्र, थर्ड है समुद्र एंड फोर्थ है मत्स्य। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3, समुद्र। क्वेश्चन नंबर 77, नदी शब्द से सप्तमी विभक्ति एक वचन में रूप बनेगा। फर्स्ट ऑप्शन है नदीम, सेकंड है नदा, थर्ड है नदाम एंड फोर्थ है नदीशु। करेक्ट आंसर हो जाएगा 77 का ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 78, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है रामम, बिना जीवितु
नोत्सहे, सेकंड है रामेन बिना जीवितुम नोत्सहे, थर्ड है रामात बिना जीवितुम नोत्सहे एंड फोर्थ है रामस्य बिना जीवितुम नोत्सहे। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 79, वृहत्सयी में नहीं गिना जाता। फर्स्ट ऑप्शन है रघुवंशम, सेकंड है किरातार्जुनीयम, थर्ड है नैषधीय चरितम एंड फोर्थ है शिशुपाल वधम। करेक्ट आंसर होगा 79 का ऑप्शन फर्स्ट। रघुवंशम को वृहत्त्रयी में नहीं गिना जाता है। क्वेश्चन नंबर 80, राजा दिलीप की पत्नी का नाम है। फर्स्ट ऑप्शन है इंदुमती, सेकंड है सुदक्षिणा, थर्ड है लक्ष्मी एंड फोर्थ है उपर्युक्त में से कोई नहीं। 80 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू, राजा दिलीप की पत्नी का नाम सुदक्षिणा था। क्वेश्चन नंबर 81, लता कुंज गुंजनम मधुवली पुंजम चपलयन में अलंकार है। फर्स्ट ऑप्शन है यमक, सेकंड है अनुप्रास, थर्ड है श्लेष एंड फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा 81 का ऑप्शन टू, अनुप्रास अलंकार। क्वेश्चन नंबर 82, जीवेशु मानव श्रेष्ठा वाक्य में रेखांकित पद में विभक्ति विधायक सूत्र है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा आधारो अधिकरणम, सेकेंड है सप्तम्यधिकरणे च, थर्ड है यतश्च निर्धारणम एंड फोर्थ है साध्वी साधु प्रयोगेच। करेक्ट आंसर हो जाएगा 82 का ऑप्शन थ्री, यतश्च निर्धारणम। क्वेश्चन नंबर 83, द्व्यधिकल्प पंचशतम किस संख्या का वाचक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 83 का ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 84, शिक्षण प्रक्रिया किस सीमा तक सफल है इसका पता लगाया जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है मूल्यांकन से, सेकंड है समाज से, थर्ड है प्रधानाचार्य से एंड फोर्थ है इनमें से किसी से नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, शिक्षण प्रक्रिया किस सीमा तक सफल है इसका पता मूल्यांकन के द्वारा लगाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 85, अच्छे पठन के गुण बताए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है मनुस्मृति में, सेकंड है याज्ञवल्क्य शिक्षा में, थर्ड है अर्थशास्त्र में एंड फोर्थ है निरुक्त में। करेक्ट आंसर हो जाएगा 85 का ऑप्शन टू। क्वेश्चन नंबर 86, हितोपदेश का संबंध किस विधि से है। फर्स्ट ऑप्शन है सूत्र विधि, सेकंड है कहानी कथन विधि, थर्ड है भाषण विधि एंड फोर्थ है उपर्युक्त सभी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन टू, कहानी कथन विधि। क्वेश्चन नंबर 87, संस्कृत शिक्षण में कठिन उच्चारण वाली ध्वनियों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। फर्स्ट ऑप्शन है सक्रियता का सिद्धांत, सेकंड है क्रमबद्धता का सिद्धांत, थर्ड है अभ्यास का सिद्धांत एंड फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। 87 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन थ्री, संस्कृत शिक्षण में कठिन उच्चारण वाली ध्वनियों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत अभ्यास का सिद्धांत होगा। क्वेश्चन नंबर 88, अर्थ समझते हुए वैदिक मंत्रों के स्वस्वर पाठ को कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है पारायण विधि, सेकंड है सूत्र विधि, थर्ड है वाद विवाद विधि एंड फोर्थ है उपर्युक्त सभी। करेक्ट आंसर होगा 88 का ऑप्शन फर्स्ट, अर्थ समझते हुए वैदिक मंत्रों के स्वस्वर पाठ को पारायण विधि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, हरिस धन सेते में संधि किस सूत्रानुसार होगी। करेक्ट आंसर हो जाएगा 89 का ऑप्शन फर्स्ट, अस्तो चुना स्चु। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90, बाल कै हस्यते वाक्य में वाच्य परिवर्तन होगा। फर्स्ट ऑप्शन है बालका हसंती, सेकंड है बालका हसती, थर्ड है बालिका हसती एंड फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा 90 का ऑप्शन फर्स्ट, बालका हसंती। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने यूपी टेट 2015 के अपर प्राइमरी लेवल के संस्कृत के क्वेश्चंस किए। आपको ये सेशन कैसा लगा प्लीज़ लाइक कमेंट के थ्रू जरूर बताएं और शेयर भी करें अपने टेट रिलेटेड फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं हमारे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।